बात करेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 7 और 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल एचडी सेंटर। यदि आपने अभी अनिल एचडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, कोई भी आगे का वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरी के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, एक भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं लघुत्तरी के। तो लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्वों को लिखिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ बताइए। तो इसको आपको देखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरी का ही है, इसी चैप्टर का ही है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का वर्णन की, जो मौद्रिक नीति है उसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लघुत्तरी का वो है भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्य हैं, 4 कार्य मतलब कार तो बहुत सारे हैं, बस इसने 4 कार्यों का उल्लेख करना है। दोस्तों ये थे अति लघुत्तरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे अति लघुत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 2 कार्यों के यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फिर यहाँ पर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों को बताइए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे बहुविकल्पी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है अथवा भारत में विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हो गई थी। अब दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेंगे लास्ट चैप्टर के। चलिए दोस्तों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो विस्तृत उत्तरी का है, तो क्वेश्चन दिया हुआ विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का क्या महत्व है लिखिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है, आपको आंसर सेम लिखना है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसी का है जो लघुत्तरी का है, विदेशी व्यापार से विस्तृत उत्तरी से यही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे लघुत्तरी की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंतरिक और विदेशी व्यापार के अंतर को समझाइए अथवा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये क्वेश्चन है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लघुत्तरी का है कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रकाश डालिए, भारत से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं उनको आपको देखना है। अब दोस्तों बात करेंगे अति लघुत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं लगभग क्वेश्चन अर्थशास्त्र में इसी चैप्टर से आते हैं अति लघुत्तरी के। तो क्वेश्चन है कि भारत के आयात की 4 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो ये 4 वस्तुएँ। फिर भारत में निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम ये हैं। फिर नेक्स्ट है विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट है आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं, आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अति लघुत्तरी के कुछ और क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं अति लघुत्तरी के। भारत में निर्यात वृद्धि के 2 सुझाव दीजिए, भारत में निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके 2 उपाय लिखना है। फिर आयात एवं निर्यात से आप क्या समझते हैं, आयात किसे कहते हैं निर्यात किसे कहते हैं उसको लिखना है। अब दोस्तों बहुविकल्पी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है भारत में से कौन वस्तु भारत के निर्यात की वस्तु है, तो निम्न सॉरी दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग पढ़ दिया, निम्नलिखित में से कौन वस्तु भारत के निर्यात की वस्तु है, तो जूट निर्मित वस्तु है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के आयात को प्रदर्शित करता है। इनमें से दोस्तों बताना, एक चीज़ जरूर कहूँगा, सिर्फ मैं इनमें क्वेश्चन पढ़ता हूँ विकल्प बताता हूँ, तो विकल्प जो बताता हूँ वो इन्हीं 4 में से होता है, वो सारे नहीं इन्हीं 4 में से होता है। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के आयात के व्यापार को दर्शाता है, तो खनिज तेल, खाद्य तेल, कच्चा जूट, मशीनरी, तो इनमें से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी आयातित वस्तु है, इनमें से दोस्तों बताना है कौन सी आयातित वस्तु है, तो खाद्य तेल जो है वो इनमें से आयातित वस्तु है। तो दोस्तों ये थे कुछ अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और 8 के। ये आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट जो बना दी है मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के लिए हमारे चैनल अनिल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।